हाय, आई एम वैद्य सोनल, आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 12 इयर्स। अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आजकल अधिकतर बीमारियां हमारे खान पान की वजह से होती हैं। अगर हम पौष्टिक आहार लें और लेते समय आयुर्वेद के कुछ नियमों का पालन करें तो हम खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमारे शरीर के समुचित विकास, सुख और स्वास्थ्य का हेतु है। चाहे रोगी व्यक्ति हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, भोजन दोनों के लिए ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं अन्न ही प्राणियों का प्राण है। अन्न हमें बल, वर्ण, ओज की प्राप्ति कराता है। देखिए, आयुर्वेद कहता है किसी भी दो व्यक्ति की पोषण संबंधी मांग एक जैसी नहीं होती है। यह डिपेंड करती है व्यक्ति के प्रकृति, देश, काल और आयु पर। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर ही किसी भी व्यक्ति के आहार का निर्धारण होना चाहिए। अगर प्रकृति से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरी, तो दूसरी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, अब आहार की आवश्यकता हमें क्यों होती है? आहार हमें पोषण प्रदान करता है, ओज, बल, वर्ण, आयु की वृद्धि करता है, सबसे जरूरी हमें जीवनीय शक्ति प्रदान करता है और जीवनीय शक्ति की रक्षा करता है। तो वो जरूरी नियम कौन से हैं? सबसे पहला नियम है आहार की उचित मात्रा का होना। अगर आहार उचित मात्रा से अधिक या कम किया जाए तो दोनों ही हमारे लिए हितकारी नहीं है। आचार्य चरक ने कहा है, आहार की उचित मात्रा वही होती है जो करने वाले के स्वास्थ्य में बाधा ना पहुंचाए और यथा समय पच जाए। तो भोजन हमेशा अपनी भूख से कम करें, आधा पेट आहार से भरें, एक चौथाई पानी और एक चौथाई हवा के लिए आपको खाली रखना है। भोजन की जो मात्रा आलस्य प्रदान करती है या भारीपन लाती है, तो इसका मतलब है आपने मात्रा से अधिक भोजन किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है आहार का समय। ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आहार का जो समय आयुर्वेद में बताया है, वो कहा है कि आहार हमेशा पहले का खाया हुआ भोजन जब पच जाता है तभी हमें हमेशा दोबारा भोजन करना चाहिए। यानी कि जब हमारा पेट खाली हो जाए, हमें अच्छे से भूख लगने लगे, तो हमें भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, हमें भूख नहीं लग रही है, तो हमें वो टाइम स्किप कर देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप इस तरह से प्लान करें अपना भोजन, अपने डाइट को, कि आपका जो है वो 3 से 4 घंटे में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आपको हैवी मील नहीं लेना, कम स्पाइसी ऑयली खाना लेना है, तो वो उतने टाइम पर पच भी जाएगा और आपको अच्छे से भूख भी लगने लगेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट नियम होता है संतुलित आहार का लेना। देखिए, भोजन सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, एक संतुलित आहार का अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संतुलित आहार वही होता है जिसमें के सारे इंपॉर्टेंट मिनरल, वाइटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये सभी होने बहुत जरूरी है। उचित मात्रा में पानी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज लेंगे और बाकी चीजें आपके खाने में नहीं होंगी तो आपके शरीर के जो पोषण आपके शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपके स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, प्लस आपको बहुत सारे रोग यानी कि बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड डाइट का लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नियम थे जो हमने इस वीडियो में जाने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर मदद करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।